नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सनराइजर्स का सूर्य उदय हो गया है जी। आज शाम होते होते सनराइजर्स का सूर्य उदय हुआ और उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीत लिया। हराया भी किसको? चेन्नई सुपर किंग्स को। 150 रन को ऐसे चेस किया, लग रहा था कि वो टीम है ही नहीं जो 150-160 रन को चेस करते हुए दबाव में दिखती थी। अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, जो आईपीएल के इस सीजन के सबसे कमजोर ओपनर हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने 75 रन बनाए और जीत के सबसे बड़े नायक बने वो आज। साथ दिया कप्तान केन विलियमसन ने, उन्होंने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की, अभिषेक शर्मा का पूरा साथ दिया और विलियमसन के बल्ले से निकले 32 रन और यहीं पर उन्होंने अमूमन मुकाबला खत्म कर दिया। रही सही कसर पूरी कर दिया आकर राहुल ने, और राहुल नाम हो तो आप समझ रहे हैं कि राहुल नाम वाले आईपीएल में क्या कमाल करते हैं। कल शाम अभी आपने देखा कि राहुल तेवतिया ने खेला, उसके पहले आपने केएल राहुल को देखा। आज बारी थी राहुल त्रिपाठी की, उन्होंने बखूबी जिम्मेदारी निभाई केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद, और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से सनराइज हैदराबाद को मैच जिताया और उनकी इस पारी ने ये बता दिया कि ये टीम अब आगे लड़ सकती है। हालांकि एक जीत के बाद देखना होगा कि सारच किस तरीके से प्रदर्शन करती है, लेकिन अगले नाम पर चर्चा करें कि किसका योगदान रहा इस मैच में जीत में सारच की तरफ से, तो वो गेंदबाज आएगा। वो गेंदबाज जो कि ऑलराउंडर है, उसने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। उसका आज का बॉलिंग फिगर 4 ओवर 21 रन और 2 विकेट। नाम वाशिंगटन सुंदर, शानदार गेंदबाजी बांध कर रखा चेन्नई सुपर किंग्स के एक एक बल्लेबाज को, मौका ही नहीं दिया कि वो शॉट खेलें और इसीलिए पूरी चेन्नई की टीम 149 रन तक ही पहुंच सके और फिर आसानी से चेस कर लिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। इसीलिए वाशिंगटन सुंदर भी जीत के बड़े हीरो आज सनराइजर्स हैदराबाद के रहे हैं। अगले नाम पर चर्चा करेंगे तो नट्टू का नाम आएगा, यहाँ टी नटराजन। 4 ओवर 30 रन और 2 विकेट उनके भी खाते में हैं और इन दो गेंदबाजों ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी की। इन्हीं के दम पर 150 का भी स्कोर नहीं बना पाई चेन्नई सुपर किंग्स और उसके बाद आसानी से चेस किया सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो पहली जीत सनराइजर्स हैदराबाद को मिली है, काव्या मारन के चेहरे की खुशी देखने लायक है क्योंकि पहली जीत जो मिली है और जिस तरीके से आज सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है, उसके बाद से अब उम्मीदें इस टीम से बहुत ज़्यादा हैं, जबकि दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को नए सिरे से सोचना होगा। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद की जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।